तो दोस्तों अपने बिजनेस का फायदा और नुकसान क्या है, और लोग मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, काम छोड़ देते हैं या कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मेरा यूट्यूब ही चैनल है तो इस पे काम करने के लिए मुझे मोटिवेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, वीडियोज बनाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, ये सब कैसे हो पाएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी जो है मौसम चेंज के कारण आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मेरा देख सकते हो, सर्दी जुकाम, मेरा साइनस का भी प्रॉब्लम है, तो ये और कुछ हो या ना हो ये तो हमेशा रहता है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कुछ कुछ घरेलू मैटर होता है उससे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कामों को छोड़ देते हैं। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं कि ये देखिए अभी दुकान पे हम आए हैं शाम को, बिल्कुल शाम को दुकान पे आए, काम करने का मन नहीं कर रहा था, घर पे घर से यहाँ पे आए कि यहाँ पे सुकून मिलेगा, बट अपना बिजनेस से सुकून कभी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, फायदा एक है ना कि आपको पॉकेट मनी या इनकम डेली का होगा चाहे जितना हो। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं ये काम रुका हुआ था तो ये हम कर दे रहे हैं, इससे भी कुछ इनकम हो जाएगा, वो जींस रिपेयरिंग है तो उससे भी मेरा इनकम हो जाएगा, और इसमें भी रिपेयरिंग का काम है तो इससे भी मेरा इनकम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ रेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ डेढ़ 200 रुपया को काम करना पड़ा, कस्टमर है उसको कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? नहीं होता होगा, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हो ही नहीं। अगर जो जो अपना बिजनेसमैन है और ऐसा मेरे साथ होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। काम नहीं करना भी चाहो तो काम करना पड़ता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका जो अगर दूसरे में काम करोगे, अपना बिजनेस नहीं है तो आपको घाटा क्या है कि आपका पॉकेट से जाएगा। हम दुकान पे आएंगे यहाँ पे तो पॉकेट से नहीं जाएगा, जितना जाएगा उससे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बस यही फायदा है। और ऐसा रहना चाहिए, हम चाहते तो कस्टमर को रिटर्न कर देते, लेकिन क्या फ़ायदा, नए काम नहीं किए, नए काम नहीं हुआ तो कस्टमर वापस गया, लेकिन ये काम कर लेंगे तो मेरा दावा वीरो का या जो भी खर्चा है वो निकल जाएगा, थोड़ा सा मन भी लग जाएगा, तबीयत खराब होता है 20% माइंड खराब हो जाता है 80%, इसलिए काम करोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप क्या इस पर विश्वास रखते हो, तबीयत खराब में भी काम करना चाहिए या फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए? अगर आप लोग इसमें साक्षी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तबीयत खराब होना तो कुछ कुछ करो, बेड पे मत पड़ो, बेड पे पड़े पड़े होता क्या है, हाँ पढ़ो, जब कुछ करने लायक नहीं हो तो बेड पे पढ़ना चाहिए, और इसके बाद कुछ कुछ करना, जैसे ही बुझाए कि सही है, एक्टिव हो गए हैं तो कुछ कुछ करना चाहिए, आपको मन लगेगा, मन लगेगा तो तबीयत बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। क्या इस पर विश्वास है तो आप लोग कमेंट करें। चलिए अब काम करते हैं कुछ, और वीडियो को अपलोड कर देते हैं, आप सब देखो और कमेंट करो।